बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एचटी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि चौधरी शजाउर रहमान टीपू की जानिब से दोस्तों के लिए इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। ज़ियाद अहमद कार्लीस मारूफ फरमान ऑनर और अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब चौधरी शजाउर रहमान की क्वाइट विकेट चौधरी नामुर रहमान चौधरी इमानुर रहमान इनकी जानिब से रेस्ट हाउस सेक्शन पर इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें मियां सानी फजलुल हक रहमान शहरी अतहाद चौधरी अब्दुल मनान चौधरी अब्दुल हनान चौधरी हशाम असाफ उम्मीदवार ब्रांड की हल्का पीपी तेरासिम मलिक हक नवाज होया चौधरी मोहम्मद आसिफ चौधरी मोहम्मद सलमान मेहर अबू बकर मेहर उमर तराज और मिर्जा तलत महमूद मिर्जा मोहिदुर रहमान मिर्जा वलीद हसन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कारी मोहम्मद जाहिद ने दुआ करवाई और इस मौके पर चौधरी शजाउर रहमान की क्वाइट विकेट ने आने वाले तमाम मुअज्जज मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबर है जी अब एबटाबाद से, जहाँ पर लोअर तनावल गैस मनसूबा ब्रांच लाइनों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद सोबन गली के मुकाम पर किया गया। वफाकी वज़ीर ब्राय पार्लिमानी उमूर जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साबिक़ पख्तून फुरसा जावेद अब्बास साबिक एमपी सरदार औरंगजेब और अरशद दीवान ने सोबन गली के मुकाम पर बंसेरी सोबन गली बंस गली की गैस लाइनों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में पहुंचने पर मुस्लिम लीग जालों की जानिब से फुरतेपाक फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इफ्तिताही तकरीब से मुर्सा जावेद अब्बास सरदार औरंगजेब अरशद दीवान सैद फैसल शाह सैद आरिफ हुसैन शाह और जमील तनौली ने खिताब किया। इफ्तिताही तकरीब में इलाका से कसर तादाद में मौजूद इलाका और लोगों ने शिरकत के मुर्सा जावेद अब्बासी का शुक्रिया अदा किया। आपको पता है जब अदम एतमाद हुआ तो यही जज थे जिन्होंने कौमी असेंबली के मेंबरान को वोट देने का हक दिया और यही जज थे जिन्होंने सूबाई असेंबली के पंजाब में 25 मेंबरान को हक नहीं दिया। क्या ये इंसाफ है? ये वही जुडिशियल निजाम है जिसने नवाज शरीफ को नायल किया। ये वही जुडिशियल निजाम है जिसने जुल्फकार अली भट्टो का जुडिशियल कत्ल किया। ये वही जुडिशियल निजाम है जिसने आपकी आंखों के सामने चार खबर है कुहार से, जहाँ पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर कुहार साद मुनीर ने ट्रैफिक पुलिस के हमराह गाड़ियों का मुआयना किया। सूबाई हुकूमत के अहकाम और डिप्टी कमिश्नर कुहार डॉक्टर इस्मत अल्लाह वज़ीर की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर कुहार साद मुनीर ने ट्रैफिक पुलिस टीम के हमराह गाड़ियों से काले शीशे फैंसी नंबर प्लेट्स गैर जरूरी डेकोरेशन और LED लाइट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20,000 गाड़ियों पर से ब्लैक शीट फैंसी नंबर प्लेट्स को उतारा और आवाम को जरूरी हिदायत जारी की कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में इंतजामिया के साथ तावन करें। अब जल्द से खबर है तो DSP हेडक्वार्टर फलिक नवाज बंगश ने रमजान मुबारक में सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लेने के हवाले से हंगू शहर की मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों का विजिट किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हंगू आसिफ बहादुर की खुसूसी हिदायत पर DSP हेडक्वार्टर फलिक नवाज बंगश ने रमजान मुबारक के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए हंगू शहर के मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों का विजिट किया। RM मुजाहिद हुसैन भी DSP के हमराह थे। DSP ने विजिट के दौरान मसाजिद और इमाम बारगाहों पर मामोश पुलिस नफरी को चेक किया। इस मौके पर इन्होंने तमाम पुलिस अफसरानों अहलकारान को मौजूदा हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक मुनासिब हिदायत जारी की। DSP हेडक्वार्टर ने तमाम अहलकारों को ड्यूटी के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट पहनने और मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने की भी सख्ती से ताकीद की। DSP ने तमाम मुतलका पुलिस अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि आवाम की जान माल का तहफ़ पुलिस के अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम वसाइल ब्रॉय कार्ड लाए जाएंगे। जबकि पुलिस की भारी नफरी नमाज तरावी के औकात मसाजिद पर तैनात इमाम बारगाह के विजिट के मौके पर DSP ने मुंतजमीन से भी मुलाकात की। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जी नारवाल से, जहाँ पर फिलहाल अहमदाबाद